अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वजिया खालिद एंड आई एम लेक्चरर एट आई एम इंस्टीट्यूट मुल्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं अपनी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में, वो है स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। हमने इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने ये पढ़ा कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में सिंपल पढ़ा, उनको हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब जब हमने बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक उसकी चीज़ें पढ़ ली, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने कवर करना वो है वेंचर क्रिएशन। जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बेसिक जो पर्पस है किसी भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें यही होता है कि आपने सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ काम करना है। लेकिन जब हम सोसाइटी की बेटरमेंट की बात करते हैं, तो वो विदाउट एनी बिजनेस जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। जब तक हम एक उस चीज़ का सेक्टर, एक उस चीज़ की कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जब तक हम डेवलप नहीं करते हैं, कोई वेंचर डेवलप नहीं करते हैं, तो कोई भी जो सोशल एंटरप्रेन्योर है वो उसके बगैर, एक सेटअप के बगैर काम नहीं कर सकता। तो जब हम सेटअप की बात करते हैं, तो जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है एक सिंपल बिजनेस डेवलप करने का, वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सेम होगा। जाहिर बात है, बेशक बिजनेस की जो आउटकम है या बिजनेस का जो पर्पस है वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए है, लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है वो हर किसी के लिए सेम है। तो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हमने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी रीजंस क्या होनी चाहिए और उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके हम एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, और इसमें जो पहला पॉइंट हम कवर करेंगे, व्हाई वुड आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। जब हम सोशल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो सवाल है जो सोशल एंटरप्रेन्योर के माइंड में आएगा कि मैं खुद से क्यों अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। जब वो एनालिसिस करता है किसी भी सोसाइटी में कि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ इकदाम करने हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसको अब अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब जो पहला पॉइंट आता है उसमें ये होता है अपॉर्चुनिटी नॉक्स। अपॉर्चुनिटी नॉक्स का ये मतलब होता है कि एक आइडिया है जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के माइंड में आएगा कि ये चीज़, ये प्रोडक्ट या सर्विस या सोल्यूशन जो है वो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, मैं ये खुद से स्टार्ट करूँगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के माइंड में आता है अपना सेटअप स्टार्ट करने का, वो यही है अपॉर्चुनिटी नॉक्स, के उसके जहन में ये पहली अपॉर्चुनिटी आएगी कि इस चीज़ का सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा और मेरी बिज़नेस का काम ये होगा कि वो सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगी ताकि जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स का। सेकेंड जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो मे बी आपके जहन में ये पॉइंट आए कि जी हम तो एनजीओस की बात कर रहे हैं या हम इस तरह की बिजनेस की बात कर रहे हैं कि जिसका बेसिक पर्पस यही है कि उसने अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो विदाउट फाइनेंस नहीं चल सकती। फाइनेंस की ज़रूरत, चाहे आपका जो सेक्टर है वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है या नहीं है, फाइनेंस की ज़रूरत हर सूरत पड़ेगी। तो जब कोई सोशल एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें सेकंड जो उसका पॉइंट होगा वो यही होगा कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहेगा। ज़ाहिर बात है, जब सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब उसने कोई स्टेप लेना है, तो उसमें कॉस्ट तो इनकर होगी। तो अपना एक सेपरेट बिजनेस या अपना सेटअप स्टार्ट करने से ये होगा कि जो उसकी फाइनेंशियल बर्डन है ना, वो थोड़ा क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वो जनरेट खुद से इनकम करेंगे, उनकी बिजनेसेस वो इनकम जनरेट जब करेंगे, उसके बाद जो है वो फिर इन्वेस्ट करेंगे लोगों में, ताकि जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो सके। थर्ड पॉइंट जो है वो है कंट्रोल का। जैसा कि कई लोग जो हैं वो
स्टार्ट करते हैं बिजनेस ताकि वो कंट्रोल कर सकें। अब दो तरह के लोग हैं, अब एक ने अगर अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा जो जो अपना कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहता, जिसका विजन बहुत ब्रॉड है या जिसकी सोच बहुत कह लें उससे फोरकास्टिंग या प्लानिंग उसकी बहुत दूर की है, तो उस वो बंदा जो है वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। वो अगर ये सोचे कि मैंने ये लोगों के लिए काम करना है और मैं ये खुद कर सकता हूँ, तो फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। जब वो अपना कंट्रोल अगर किसी को नहीं देना चाहता तो उसके पास यही ऑप्शन है कि वो अपना सेटअप जनरेट करे इस तरह का और उसमें लोगों को हायर करके फिर प्रॉब्लम जो है सोसाइटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंटल या सोसाइटल उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर हम जो फोर्थ बात करते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। जितनी भी इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी की वेलबींग के लिए काम करते हैं उनका उनमें जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने खुद से अपना बिजनेस जो है वो बिजनेस रन कर रहे हैं, वो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो खुद से लेके चलते हैं। मतलब उन्हें पता है कि हमने कितने आवर्स काम करना है और अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है। जाहिर बात है जब आप किसी की किसी ऑर्गेनाइजेशन का जाके आप एज अ एम्प्लॉय पार्ट बनते हैं तो उसमें आपकी फिक्स टाइमिंग होती है और वो हर सूरत आपने ऑर्गेनाइजेशन को देनी होती है, लेकिन जब आप खुद से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रन करेंगे जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है तो उसमें ये होता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी का जो है वो एक पॉइंट आ जाता है। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट भी एक सोसाइटी का बड़ा जो है अलमी है। देखिए हमारे आजकल जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो बहुत ज़्यादा है। अब कोई इस तरह का बंदा जो सोशल एंटरप्रेन्योर है वो ये सोचे कि अगर मैं इस तरह का बिजनेस जनरेट करता हूँ या क्रिएट करता हूँ उससे मुझे तो फ़ायदा होगा क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए कोई काम करूँगा, लेकिन इसके साथ मैं 5-6-7 लोगों को स्टार्ट में रख सकूँगा। अगर वो ग्रोथ की तरफ जाती है फिर कल को 10-15-20, तो इस तरह होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह भी जो है ना वो सोशल एंटरप्रेन्योर को ये जो है वो किक देती है कि वो एक अपना जो है वो सेटअप जो है वो स्टार्ट करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे वो ये है कि जब हम अपने बिजनेस को ऑन करने की बात करते हैं तो उसमें कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड आ सकते हैं, सोशल रिवॉर्ड आ सकते हैं, जैसे प्राइड हो गया, डिफरेंस आपने मेक किया कुछ वर्क वाइल आपने कॉज के लिए काम किया, इंडिपेंडेंस आ जाती है, आपका अपना वर्क होता है, आप अपने लिए वर्क करना चाहते हैं, वर्क फॉर योर सेल्फ होता है, एट योर ओन पेस होता है। लेकिन इसके साथ साथ हर चीज़ के जैसे डिसएडवांटेज हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट जो रिस्क है वो किसी भी सोशल एंटरप्रेन्योर को जो है वो फेस करना पड़ सकता है वो है फाइनेंशियल रिस्क। जाहिर बात है जब भी आप कोई सेटअप अरेंज करेंगे उसमें आपको फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। व्हाट इफ़ कि अगर आप इतना सेटअप बनाने के बाद चाहे वो स्मॉल लेवल या मीडियम लेवल का सेटअप है वो रन नहीं कर पाता या आप सोसाइटी की वेलबींग के लिए कोई काम नहीं कर पाते हैं तो उसमें आपको फिर क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क बेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर बात है जब आप एक मार्केट में आ रहे हैं चाहे इसका कॉस्ट सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, आपने उसमें टैक्स पे करने हैं, आपने कॉस्ट पे करनी है, आपने उसको चलाना है तो फिर इसमें ये होता है कि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो आपको बेयर करना पड़ सकता है, उसका जहन में होना लाजमी है। फिर है दूसरा सोशल रिस्क के, जब आप हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो जाहिर बात है वो जब न्यू बिजनेस में अपने आप को डिवोट करता है उसके सेटअप के लिए तो उससे ये होता है कि अपनी फ्रेंड्स या फैमिली को कम टाइम देता, तो आपको सोशल रिस्क भी जो है वो फेस करना पड़ सकता है इसमें। थर्ड करियर रिस्क है। अब करियर रिस्क कैसे है कि जाहिर बात है कि आप पहले से कुछ कर रहे थे, जैसे हम कहते हैं हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मे बी शायद आप जो अब सोशल एंटरप्रेन्योर है वो पहले कहीं जॉब कर रहा था, अब वो जॉब छोड़ के उसने अपना एक न्यू सेटअप अपना स्टार्ट किया, तो अगर ये हो सकता है कि अगर तो वो सेटअप नहीं चला तो उसको फिर करियर रिस्क भी है वो बेयर करना पड़ सकता है। जो लास्ट रिस्क उसको बेयर करना पड़ सकता है वो है साइकोलॉजिकल रिस्क। साइकोलॉजिकल रिस्क में ये होगा कि जाहिर बात है कि आप एक पूरा प्रॉपर सेटअप बना रहे हो, आप सोसाइटी की वेलबींग के लिए काम करना चाह रहे हो तो उसमें आपको स्ट्रेस भी फेस करना पड़ सकता है। अब स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में भी फेस कर सकते हो, कई स्ट्रेस ऐसे होते हैं जिनको हैंडल करने के बाद आप में पॉजिटिविटी आती है। समटाइम्स स्ट्रेस जारी बात है बैड स्ट्रेस भी होते हैं, अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे अपने टारगेट, आप अपनी सोसाइटी के लिए काम नहीं कर पा रहे तो वो जारी बात है कि आपको जो है वो स्ट्रेस जो है वो बियर करना पड़ सकता है।
इसके अलावा हम ये देखेंगे कि तीन चार पॉइंट और हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल सेटअप के लिए जो वो हार्मफुल होते हैं, जो उनके बिजनेसेस को फेल करने में जिनका अमल दखल होता है, जैसे कि पुअर प्लानिंग हो गया, इनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट हो गया, एक्यूमुलेटिंग टू मच बोरिंग हो गया. जब हम फर्स्ट जैसे व्हाट कॉज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, तो जब आप न्यू बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जारी बात है उसका सेटअप जब लगाते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं. अब वो जो पैसे होंगे अगर तो वो आपके अपने हैं तो चलें आपको उसमें जो है वो बोरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन केस आपके पास पैसे कम हैं तो आप किसी बैंक से लोन लेंगे या कोई आउटसाइडर इन्वेस्टर होगा या किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो जारी बात है कोई अगर आपको अपने पैसे देगा तो इसके अगेंस्ट वो आपसे कुछ डिमांड करेगा, कोई रिटर्न डिमांड करेगा या कोई उसमें जो है वो पार्टनरशिप डिमांड करेगा. तो उसमें यही होता है कि अगर तो आपका बिजनेस फ़ौरन से इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाता तो उससे ये होगा कि आप दोबारा से लोन लेंगे किसी के, ताकि वो आप अपने पिछले जो है वो चीज़ों को स्मूथ कर सकें. फिर वन बाय वन फिर ये कि फिर नहीं होता, फिर आपको लेना पड़ेगा. तो इससे ये होता है कि आप एक्सेस जो है वो बोरिंग के चक्कर में जो है वो पड़ सकते हैं, क्योंकि आप बेशक सोशल जो है वो नीड के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो सेटअप का तरीका है या जो प्रोसेस है कोई भी वेंचर डिज़ाइन करने का या वेंचर क्रिएशन का वो सेम ही रहता है किसी के लिए. उसके बाद है हाउ डज़ इनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट लीड टू फेल. अब सेकंड पॉइंट क्या है इनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट. ठीक है, अगर आपको इतनी बोरिंग्स नहीं लेनी पड़ी या अगर आपको लेनी भी पड़ी है तो आपका जो है वो आपका जो सेटअप है वो स्मूथली रन होना शुरू हो गया है, उसके अगेंस्ट आपको जो है वो रिटर्न मिलना शुरू हो गया है. लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है वो मैनेजमेंट का भी हो सकता है. अगर आपने इस तरह के लोग हायर किए हैं जो इनएक्सपीरियंस हैं, जो ये देखने में जो साइंस जो होते हैं फेलियर के साइंस जिनसे इग्नोर हो गए हैं या जो एट्रीब्यूट्स होती हैं कुछ फेलियर की वो उनसे निगलेक्ट हो गई हैं और उन्हें पता नहीं चला कि हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, तो इसकी वजह से आपकी कंपनी को क्या हो सकता है वो फेलियर का सामना करना पड़ सकता है. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लानिंग. जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये सब चीज़ें हम किसकी बेस पे करते हैं, हम प्लानिंग की बेस पे करते हैं. तो कोई भी सेटअप जो है स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है. जब तक अगर आपकी बिज़नेस की जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी नहीं होगी आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. अब बिज़नेस प्लान क्या होता है, बिज़नेस प्लान एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्या स्टेट करते हैं आपकी कंपनी के गोल और आपके प्लान. फॉर एग्जांपल ये आप ग्राफ देख रहे होंगे, फिगर देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहले क्या होगा, इस बिज़नेस प्लान में ये सारी चीज़ें जो है वो आपके अंदर इंक्लूड होंगी. सबसे पहले कंपनी की इंफॉर्मेशन, जो आपकी कंपनी है उसका मिशन क्या है, उसका भी करंट स्टेटस क्या है, हिस्ट्री क्या है, और उसकी मैनेजमेंट की टीम में कौन कौन इंक्लूड है. फिर मार्केटिंग प्लान की बात करते हैं कि आपने एनालिसिस करना कंपेटिटिव के आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, सोशल सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए या एनवायरमेंटल कोई चेंज लाने के लिए या कोई भी न्यू चीज़ लाने के लिए, तो उसमें पहले कितने लोग उस पे काम कर रहे हैं और किस तरह और किस लेवल का काम कर रहे हैं, फिर उसमें किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसको किस तरह प्रमोट कर रहे हैं. फिर ऑपरेशनल प्लान की बात करते हैं कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका आईटी का प्लान, मैन्युफैक्चरिंग का प्लान, स्टाफिंग का प्लान कितना स्ट्रॉन्ग है. फिर फाइनेंशियल प्लान की बात करते हैं कि करंट फाइनेंसिंग अभी आपकी क्या है, फंडिंग कहाँ से लेनी है, आपकी हिस्ट्री क्या है, फोरकास्ट आप क्या करते हो कि आपको आने वाले वक्त में कितने पैसे और चाहिए, वैल्यूएट क्या करते हो जो आपकी चीज़ आज है इसकी प्राइस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, और एंड में रिस्क इवैल्यूएट करते हो कि हम बिज़नेस जो स्टार्टअप करने जा रहे हैं उसमें कितना रिस्क हमें इवैल्यूएट रिस्क आपने इवैल्यूएट करना और फिर रिस्क को किस तरह हमने मैनेज करना है. तो ये पांच हेड्स हैं जो आप जब भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको गो थ्रू करना है. चाहे अब आपका बिज़नेस का मकसद जो है वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए है, चाहे आपका जो बिज़नेस का मकसद है वो आपकी प्रोडक्ट या कोई कॉरपोरेट प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हम कवर करेंगे वो है स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस. कि अब हमने पहली सारी चीज़ें पढ़ ली ऊपर कि जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स पे जो है वो फोकस करना चाहिए, कौन से एडवांटेजेस हम उससे गेन कर सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, कौन से ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को ट्रिगर करते हैं कि वो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें. अब जो है वो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि ट्रिगर जो है ट्रिगरिंग पॉइंट्स मिल गए हैं सोशल एंटरप्रेन्योर को अपना
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अब उसने जो है अपनी कंपनी जो है वो स्टार्ट करनी है, अब उसे क्या क्या चीज़ें, अब कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू वो कंपनी स्टार्ट कर सकता है, इसमें यह है कि या तो आप अपना स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्क्रैच से, मतलब ए टू जी आप अपने बिजनेस को खुद बनाएंगे। सेकंड, इसमें यह ऑप्शन हो सकती है कि आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस या एग्जिस्टिंग जो कोई एनजीओ है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रही है लेकिन अब वो इससे ज़्यादा कर नहीं पा रही, आप उसको ख़रीद लेते हो, या कोई जो बहुत बड़े लेवल के एनजीओज होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, आप उनसे फ्रेंचाइज जो है वो उनकी बाय कर लेते हो। अब फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। अब इसको इसके कौन कौन से एडवांटेजेस होंगे, जब हम स्क्रैच की बात करते हैं तो इसमें ये होगा कि आपका जो एंटरप्रेन्योर होगा वो बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट से अपना बिजनेस या अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करेगा। अब इसमें जो एडवांटेजेस हैं जो उसको बेयर जो उसको मिल सकते हैं वो ये है, फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, कि जारी बात है आपने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया तो आप के पास बिल्कुल फ्रीडम है कि आपने आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से इक्विपमेंट आपने यूज़ करने हैं, स्टाफ कैसा रखना है, कौन सा रखना है, सप्लायर कैसे होने चाहिए, तो बिल्कुल आप जीरो पॉइंट पर, तो इसमें आपको फ्रीडम मिल जाएगा कि आपको चाहिए क्या। यू कैन स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो द बिजनेस ओवर टाइम। सेकेंड ये कि आप उस टाइम छोटे लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नंबर थर्ड, सेटिस्फेक्शन ऑफ बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग। उसमें ये होगा कि सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जीरो से स्टार्ट किया और मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मैं सोसाइटी में चेंज लेके आया हूँ, सोसाइटी में कोई मैंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और नंबर फोर, यू कैन क्रिएट द इमेज एंड रेपुटेशन यू वांट। जारी बात है कि आपने स्टार्ट से बिल्कुल स्टार्ट किए हैं, आपको कोई जानता नहीं है, आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो इससे आपकी जो रेपुटेशन और आपकी जो इमेज है वो अच्छी बन जाएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि किसी चीज़ के एडवांटेज हैं तो इसी तरह उसके डिसएडवांटेज भी हैं। जैसा कि अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या होगा, द बिजनेस है नो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। जारी बात है कि जब आप सोसाइटी में आते हैं या मार्केट में आते हैं तो लोग आपको कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं, कोई पिछला बैकग्राउंड देके, कुछ पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देके। लेकिन जब आप बिल्कुल स्क्रैच से यूज़ करते हैं तो आपका पिछला कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सोसाइटी के चेंज के लिए काम करना है, कोई आपने चेंज लेके आना है, तो उसमें ये होगा आपको डिफरेंट कंपनीज के साथ लिंक करना पड़ेगा, डिफरेंट जो फंडिंग के लिए डिफरेंट एनजीओज के लिए या गवर्नमेंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट या कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंपनी आपके साथ तभी लिंक कर पाती है जब वो आपका पिछला कोई रिकॉर्ड देखती है। जब आप नए होते हो तो उनको जारी बात है ये रिस्क है, तो उनको आप पे ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आपका थोड़ा डिसएडवांटेज है कि आपके बिजनेस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ गुड रेपुटेशन। जारी बात है जब हमने ऊपर बात की जिसमें आपकी अपनी पॉजिटिव रेपुटेशन बन सकती है तो उसको बनने के लिए टाइम चाहिए। नथिंग इज एस्टैब्लिश्ड यू नीड टू डू एवरीथिंग। जारी बात है कुछ भी नहीं है, आपके पास स्क्रैच है तो आपको एस्टैब्लिश करने के लिए टाइम लगेगा। देयर इज नो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो एंड इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर द बिजनेस बिगिन टू अर्न अ प्रॉफिट। अब जारी बात है आपके पास कोई कैश फ्लो तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ के जो प्रोसेस में वो आए। इट कैन बी डिफिकल्ट टू अपटेन फाइनेंसिंग, जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, क्योंकि आप मार्केट में नहीं है, आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो किसी इन्वेस्टर को या कंपनी को या गवर्नमेंट को आपके साथ डील करने में या आपके साथ काम करने में या आपको पैसे देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो है बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, के कोई पहले से ही उस चीज़ पे चाहे ना काम करो, उससे रिलेटेड कोई काम करो या एक एनजीओ पहले से इस्टेब्लिश है या एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से इस्टेब्लिश है तो आप उसको परचेज कर लें। अब इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, ईज़ ऑफ स्टार्टअप हो सकता है कि जारी बात है वो पहले से ही मार्केट में है तो आपका जो टाइम है या एनर्जी है सप्लायर से बात करने में या हायर करने में लोगों को इक्विपमेंट्स के लिए या लोकेशन के लिए, उसका जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, एनर्जी आपकी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, के पहले से ही जो है वो आपके रिलेशंस बने होंगे लोगों से, तो आपके जो कस्टमर्स हैं या सप्लायर्स हैं उनसे पहले ही आपकी बातचीत होगी आपकी उस कंपनी की बेसिस पे। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिल सकती है, जरी बात है आपको उस टाइम कोई ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। लेकिन इसी तरह जैसे इसके एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे हाई परचेज प्राइस हो सकती है, जारी बात है अगर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है और उसकी रेपुटेशन भी 60% अच्छी है, उसके सप्लायर्स भी अच्छे हैं, लोग स्टाफ भी अच्छा है, तो जारी बात है जब उसको सेल करेगा तो उसकी प्राइस थोड़ी हाई होगी, तो उस टाइम जो ऑनर होगा वो जब स्क्रैच से स्टार्ट करेगा तो मे भी शायद उसकी कॉस्ट कम हो, लेकिन जब उसको वो खरीदना पड़ेगा किसी से तो उसको थोड़ी से ज़्यादा पैसे उनको देने पड़ेंगे।
फिर सेकंड इनहेरिटिंग द प्रीवियस ऑनर मिस्टेक. इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि बेशक उनकी रेपुटेशन अगर अच्छी है लेकिन कुछ ऐसे मिस्टेक्स होंगी जो उन्होंने पहले से की होंगी, तो ये है कि इसकी वजह से वो उनको बेयर करनी पड़ेगी. और फिर थर्ड पॉइंट है दी अननोन्स, के गारंटी नहीं है इसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की या मैनेजमेंट टीम की, कस्टमर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर के, कि वो आपके साथ काम करेंगे फर्दर के नहीं. तो ये थोड़े से डिसएडवांटेज या रिस्क हैं जो अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करोगे तो आपको ये बेयर करने पड़ सकते हैं. नेक्स्ट जो लास्ट है वो है बाइंग अ फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज क्या होते हैं? फ्रेंचाइज एक ऐसा मेथड है बिजनेस करने के जिसमें ये होता है कि आप एक बिजनेस जो फ्रेंचाइज होता है, जो उस बिजनेस का ऑनर होता है या जो उनके सीईओ होते हैं, आप उनसे परमिशन ग्रांट करते हो या आप उनसे परचेज करते हो, उनका राइट यूज़ करते हो, राइट उनसे खरीदते हो कि हम आपका ब्रांड नेम यूज़ करेंगे और उसमें प्रोडक्ट या सर्विस स्पेसिफिक टाइम के लिए सेल करेंगे. इसमें ये होगा कि आप उनका नाम ले लेंगे और उस नाम के अंडर आप काम करेंगे और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करेंगे. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इट इज़ प्रूवन सिस्टम ऑफ ऑपरेशन. कि अगर हम न्यू स्क्रैच की बात करते हैं या किसी ऐसी पार्टी जो स्मॉल लेवल पे काम कर रही है उससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या इसके बजाय अगर हम फ्रेंचाइजिंग कर लें तो उसमें ये होगा कि सिस्टम ऑफ ऑपरेशन जो है ना वो पहले से ही प्रूव होगा कि इस तरह काम करने हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो इन चीज़ों के बारे में आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर. अब जारी बात है आप एक भी नहीं होंगे, मल्टीपल लोग होंगे जो उस फ्रेंचाइज को जिन्होंने ख़रीदा होगा, तो आप नंबर में भी ज़्यादा हो गए. फिर जो इनिशियल ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द डील होगी. जब आप ख़रीदोगे तो वो आपको इनिशियल ट्रेनिंग देंगे कि मार्केट में अभी क्या स्नैरियो है, किन चीज़ों पे हमने और काम करना है, किन चीज़ों को हम बेटर बना सकते हैं, तो वो आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे. तो आपकी जो ट्रेनिंग की एनर्जी और कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी. मार्केटिंग सपोर्ट, जारी बात है पहले से उसका मार्केट में नाम होगा तो आपको इतनी मार्केटिंग पर एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें लैक ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं. जैसे पता है जब आप अपना ऑन बिजनेस, बेशक आप स्क्रैच कर रहे हो तो उसमें आप खुद से उसे कंट्रोल कर रहे हो. अगर आप किसी से खरीद रहे हो तब भी आपका कंट्रोल अपना है. लेकिन जब हम फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो इसमें जो आपका कंट्रोल होता है वो थोड़ा कम होता है. जो फ्रेंचाइजर होता है उसका कंट्रोल ज़्यादा होता है. आप अपनी तरफ से अचानक से कोई इसमें चेंज नहीं ला सकते, एक अप्रूवल चाहिए होगा. स्टार्टअप कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है. कॉम्पिटिशन, जारी बात है एक नाम मल्टीपल लोग यूज़ करें तो ये कहते होगा इस लोकेशन में मेरा नाम हो, दूसरा कहता होगा मेरा नाम हो. तो अगर एक ही एनजीओ है और उसमें चार लोगों ने उस पर काम करे तो आपस में जो डिफरेंट स्टार्टअप कंपनी है उनके कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा और कॉमन प्रॉब्लम्स भी जो है वो उन्हें शेयर करना पड़ सकते हैं. ये थी ये सारी चीज़ें कि जो सेकंड पॉइंट हमने क्लियर किया कि एक बिज़नेस, एक सोशल एंटरप्रेन्योर ने अपना माइंड बना लिया कि मैंने बिज़नेस अपना स्टार्ट करना है. फिर सेकंड पॉइंट ये था कि अगर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैंने अब किस तरह से अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है. मैंने जो है वो अपना स्क्रैच से स्टार्ट करना है, मैंने या किसी का बिज़नेस परचेज करना है या फ्रेंचाइज पे काम करना है. इसमें जो हम अब नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो कवर करेंगे वो है फाइनेंशियल फाइनेंसिंग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, कि जब आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करेंगे तो किस तरह आप अपने बिज़नेस की फाइनेंसिंग कर सकते हैं. सबसे पहले वही सिंपल है, हमें पता है पर्सनल फाइनेंसिंग करके कि आपके अपने पैसे हैं तो आप जो है अपने पैसों के ज़रिए अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं. वो आप अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, फैमिली से ले सकते हैं. उसमें ये होगा कि आपको ईजिली थोड़े पैसे मिल जाएंगे और उसमें आपको इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम पे करना पड़ेगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए. अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि जाहिर बात है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर आपने थोड़ा मीडियम लेवल का अपना सेटअप स्टार्ट करना है तो आपको जाहिर बात है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आपके पास बहुत अच्छा विजन है, आपके जो हैं वो आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, फिर आप सेकेंड जो ऑप्शन है जो आप अडॉप्ट करते हो वो लोन्स एंड ग्रांट्स की है, कि आप बैंक की तरफ जाते हो या आप इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं आप उनसे हेल्प करते हो, हेल्प लेते हो कि आपको जो है वो लोन प्रोवाइड करें. लोन की फिर आपको पता है लोन का पूरा प्रोसेस होता है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना, आपको उसमें सॉरी इंटरेस्ट पे करना होता है. तो जो सेकंड ऑप्शन है जो कोई अडॉप्ट कर सकता है वो है लोन की. अब जो थर्ड है वो है वेंचर कैपिटल की या अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग की. ये बैंक से और जो आपके पर्सनल है उससे थोड़ा सा हट के होते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं. ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे आपके बिजनेस में और इन रिटर्न इन्हें क्या चाहिए होता है, एक इक्विटी चाहिए होती है, पीस ऑफ ऑनरशिप चाहिए होता है कि इतने परसेंट जो है वो आपके बिजनेस में वो हमारा होगा. देखिए आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करें, इन रिटर्न आपको फिर भी उसमें थोड़ा सा इनकम जनरेट होगी.
तो कोई अगर आप इन्वेस्ट कर रहा है इतना आपकी कंपनी पे, तो जारी बात है वो उसके अगेंस्ट आपसे पैसे मांगेगा। तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास आप जा सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप उनसे पैसों की डिमांड कर सकते हैं। सेकेंड होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने मनी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट इनको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। तो आप इनसे भी पैसे ले सकते हैं। और थर्ड आपके पास जो ऑप्शन है वो स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, हर जो है हर डिफरेंट नेम से होती हैं हर इकोनॉमी में या हर कंट्री में। आप उनसे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो है वो बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ये इजी है, उसमें ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनरशिप्स कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिक जो है वो तीन फॉर्म होते हैं किसी भी ओनरशिप की। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप इंडिविजुअल मालिक होते हो अपने बिजनेस के। उसके बाद दूसरा आपको जैसे पता है पार्टनरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की जब हम बात करते हैं तो सिंगल इंडिविजुअल होता है, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की तो उसमें वन और मोर जो है वो आपके बिजनेस एंटिटी के पार्ट होते हैं और वो मिल के आपके जो है वो बिजनेस चला रहे होते हैं। और जो थर्ड है वो कॉरपोरेशन होती है, वो मोर देन टू थ्री पीपल्स होती है, जिसमें आप जो है वो बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं। जैसे इसके डेफिनेशन लिखी हुई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेट इज़ अ लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी डेट इज़ लायबल फॉर इट्स ओन डेथ एंड वेयर ओनर्स लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। तो तीन तरीके हो सकते हैं जब आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना चाहते हैं। आप इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं, आप किसी को साथ में लाना चाहते हैं, ये एक बड़े लेवल की कॉरपोरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि आपकी जो जो सोच है या जो आपके आइडियाज़ हैं सोसाइटी से रिलेटेड वो आप जो है वो अचीव कर सकें। तो इस चैप्टर के लिए जो है, इस लेक्चर के लिए हमने इतना ही डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको और देखेंगे कि जब हम वेंचर की बात करते हैं तो हम इसको किस तरह अपनी डेवलपमेंट जो है वो अब डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो हमने पहले उसको इनिशिएट तो कर दिया है, ठीक है, अब हमने उसको स्टार्ट कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट हम फिर ये देखेंगे कि किस तरह किसी भी वेंचर को या किसी भी बिजनेस को हम हेल्प कर सकें कि वो जो उसकी ग्रोथ है वो उसमें ग्रोथ का फैक्टर जो है वो चलता रहे, ताकि बिजनेस जो है उसका रनिंग रहे और वो सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता रहे। तो आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है वो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।